अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैर तौफीक से होंगे। अमरीन साहब के चैनल में आप सभी देखने वालों को, चाहने वालों को खुश आमदीद। नए दिन के आगाज़ के साथ नई वीडियो लेके हाजिर हुई हूँ। तो मिलिए आयशा खान से। आयशा आज सो रही हैं, आयशा की तबीयत ठीक नहीं है। तबीयत ठीक ना होने की वजह क्या है? वजह ये है कि आयशा को आज हमने हिफाजती इंजेक्शन लगवाया है और माशाल्लाह से ये 4 दिन के बाद 4 मंथ की हो जाएंगी। तबीयत इसकी ठीक नहीं है, बहुत ज़्यादा रो रही थी सुबह से। 11 बजे के इंजेक्शन लगवा के आए हैं और अभी शुक्र है पुरसकून नींद ये सो रही हैं। इसको ज़रा हमने बांध के सुलाया है और जो कपड़ा हमने बांधा है वो लेग्स के ऊपर से है। तो लेग्स पे अगर हम रैप करेंगे कपड़ा तो इसके इरीटेशन होगी, पेन होगा इस वजह से। और आज इन्होंने हॉस्पिटल लेकर गए थे जब हिफाजती इंजेक्शन के लिए, तो 3 इंजेक्शन लगे हैं। और आपको ख़ुद अंदाज़ा होना चाहिए कि हम बड़े इंजेक्शन बर्दाश्त नहीं कर पाते, ये तो बेचारे मासूम से बच्चे हैं। तो आप सब दुआ कीजिएगा कि आयशा की तबीयत बेहतर हो जाए। पैनाडोल के ड्रॉप्स भी दे दी हैं मैंने और हर 4 घंटे बाद उन्होंने कहा था, और बर्फ़ की सिकाई भी कर दी है। तो मैं तो यही सजेशन दूँगी कि अगर आपके घर में बच्चा है फास्ट इंजेक्शन लगाना है तो उसकी बर्फ़ की टुकड़ लाजमी करें, क्योंकि उससे दाने नहीं बनते ठीक। क्योंकि पेन होता है बच्चों को, इस वजह से वो मोटे मोटे से दाने बन जाते हैं और बच्चों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। और एवरी 4 आवर्स लेटर आपने पैनाडोल के ड्रॉप्स लाजमी देने हैं। तो जी व्यूअर्स, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक, प्यार से कमेंट ज़रूर ड्रॉप कीजिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।